सो हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोग का फ्री फायर के एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले बिल्कुल ही नई हाइपर बुक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली कंफर्म हो चुके हैं हाइपर बुक के सारे आइटम हैं, उसका पूरा का पूरा लुक जो है रिवील होकर आ चुका है, तो वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो बंडल के बारे में भी पूरा डिटेल से मैं आप लोग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ दोस्तों कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में भी आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए यार इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे यार फ्री फायर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट मिलती रहे। एंड अगर कोई भी बात करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, फॉलो करके आप लोग वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए इस प्यारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने हाइपर हुक के बारे में। जी हां दोस्तों, इसका फाइनली लुक जो है रिवील होकर आ चुका है आप लोग के सामने। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों को बिल्कुल ही नई हमारी हाइपर बुक देखने को मिल चुकी है, जो कि स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड इसका जो लुक बनाया गया है, लुक भी काफी ज्यादा अच्छा बनाया गया है। इसके अंदर आप लोगों को दो आंखें देखने को मिल जा रही है, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही हैं। आइटम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर से आप लोगों को स्काई विंग का लुक दिखा देता हूं मैं, जो कि स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड भाई काफी ज्यादा यूनिक टाइप का ये बनाया गया है, आप लोग इसको देखकर भाई समझ नहीं पा रहे होंगे कि भाई इसके अंदर बैठना कहां पे। तो भैया इसमें बैठना होगा या फिर खड़ा होना होगा यहां पर बीच में, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। बाकी दोस्तों इसके दोनों तरफ आप लोग ये प्यारी प्यारी पंख जो है देखने को मिल जाएंगे, जो कि यार बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारी ग्लोअल की स्किन निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को प्यारी सी लेजेंडरी ग्लोअल की स्किन हमारे इसी हाइपर बुक से देखने को मिल जाएगा। एंड इसका भी कलर कॉम्बिनेशन एंड लुक अगर आप देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छा एनिमेशन डिजाइन किया गया है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है हमारी ये ग्रेनेड की स्किन, जो कि स्किन पर चेकआउट कर ही सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा इसका एनिमेशन बनाया गया है। इसके अंदर भाई जब भी फूटता है तो एनिमेशन के बीच में लोगो देखने को मिल जा रहा है हम लोग को। इसके अलावा दोस्तों अगले नंबर का आइटम निकल के आ चुका है हमारी AK-47 की बहुत ही अच्छी यूनिक लेजेंडरी स्किन, जो कि हम लोग को इसी हाइपर बुक के अंदर से देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों अगर आप लोग इसको एक तरीके से देखोगे तो भाई आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये AK-47 की स्किन है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि देखने में कुछ डिफरेंट टाइप का ही इसका लुक निकल के आ रहा है। एंड इसके अलावा दोस्तों हम लोग को इसके अंदर से एक परांग की भी स्किन देखने को मिलने वाली है, जो कि स्किन पर देख ही सकते हो। कुछ इस टाइप का ये परांग का स्किन बनाया गया है, जो कि देखने में लिटरली काफी ज्यादा प्यारा है। बैकपैक की भी स्किन देख ही सकते हो, Level 1, Level 2, Level 3 पर कुछ इस टाइप का इसका लुक रहेगा। एंड मैक्स होने पर भाई काफी ज्यादा ओपी इसका लुक निकल के आ रहा है। ठीक है, अगले नंबर का जो आइटम है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है, चलिए वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। अगले नंबर का आइटम है दोस्तों हमारी ये प्यारी सी साइथ की स्किन, जिसके अंदर हम लोग को बहुत ही भयंकर वाला एनिमेशन देखने को मिल जा रहा है। एंड मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप लोग इसको इन गेम यूज करोगे तो काफी ज्यादा हैवी देखने में ये लग जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों आप लोग हाइपर बुक का फाइनल लुक यहाँ पर देख ही सकते हो, कुछ इस टाइप का आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो आने वाले इस OB-44 अपडेट के बाद आप लोगों को सबसे पहले इसी हाइपर बुक को गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो इमोट रहता है इसके अंदर, इमोट भी आप लोग देख ही सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा इसका प्यारा सा लेजेंडरी इमोट, जो कि हमारा हाइपर बुक स्पेशल रहने वाला है। इसके नीचे ये हाइपर बुक रहेगी, जिसमें से भाई ये हमारा जो बंडल रहेगा वो निकल कर आएगा। तो काफी ज्यादा अच्छा इमोट भी इसका डिजाइन किया गया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा यूनिक है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ईवो बंडल के बारे में। तो भैया इसका भी आप लोगों को एक डुओ इमोट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट ईवो बंडल के अंदर आप लोगों को एक डुओ इमोट देखने को मिलेगा, जो कि स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इसके पहले जो हमारे गेम के अंदर ईवो बंडल आया था, उसके अंदर भी हम लोग को डुओ इमोट देखने को मिला था। तो सेम वही चीज दोस्तों, इस बार हम लोग को इस वाले नए ईवो बंडल के अंदर भी देखने को मिलने वाला है एक डुओ इमोट, जिसको आप लोग अपने किसी भी फ्रेंड के साथ यूज कर पाओगे। एंड देखने में काफी ज्यादा यूनिक भी ये इमोट लग रहा है। अगले चीज दोस्तों, आप लोगों को इस वाले ईवो बंडल का 3D लुक का पूरा रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर 3D बंडल देख रहे हो, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरी चीज डिटेलिंग के साथ दिखा रहा हूँ। बाकी का दोस्तों जब इसका फाइनल यहाँ पर आ जाएगा एनिमेशन के साथ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट जरूर कर लेना, उसकी भी वीडियो एक ही दो दिन में आ जाएगी, तो मैं आप लोगों को रिव्यू करके दिखा दूंगा। बाकी का इसके बीच में आप लोगों को इसका लोगो देखने को मिल जाएगा, एक हाथ के ऊपर आप लोगों को एनिमेशन देखने को मिलेगा, इसके आंख में भी एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ दोस्तों आप लोगों को स्काई विंग वगैरह भी देखने को मिलने वाला है। तो ये दोस्तों हमारा 3D लुक है इस कॉस्ट्यूम का। एंड इसका जो शूज वगैरह है, पैंट वगैरह भी आप लोग चेकआउट कर ही सकते हो। सर दोस्तों जब इसका लुक चेंजर हो जाएगा, तो उसके बाद जो बंडल निकल के आएगा वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। लुक चेंज होने के बाद कुछ इस टाइप का इसका भाई आ जाएगा लुक पूरा का पूरा। इसके दोनों हाथ के अंदर आप लोग को गोल्डन कलर का यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसके हेयर जो है वो भी गोल्डन कलर का देखने को मिल जाएगा। एंड उसके अंदर में भी दोस्तों एनिमेशन आप लोग को भर भर कर देखने को मिलेगा। एंड इसकी जो आंखें रहेंगी, उसके अंदर भी आप लोगों को एनिमेशन देखने को मिलने वाला। अब एनिमेशन कैसा रहेगा वो भी मैं आगे आप लोगों को रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, तो
उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ उस वाले कॉस्ट्यूम को जिसके अंदर भाई एनिमेशन रहने वाला है लुक चेंजर के बाद। तो लुक चेंजर होने के बाद दोस्तों जो हमारा बंडल रहेगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जिसका भाई आंखें एंड जो फेस रहेगा कुछ यूनिक टाइप का है भाई, बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही भयानक बनाया गया है। बाकी दोस्तों हाथों के अंदर इसके एनिमेशन देखने को मिल जाएगा दोनों को दोनों, एंड इसके अलावा इसके पैंट में भी एनिमेशन रहेगा, सूज में हल्का फुल्का आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंड इसके चेस्ट पर भी एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का ये रहेगा बंडल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों OB44 अपडेट के बाद हम लोग को काफ़ी ढेर सारे नए नए इमोट देखने को मिलने वाले, जिसमें आप लोग नंबर वन पर ये वाला इमोट देख ही सकते हो भाई, कुछ इस टाइप का ये इमोट है जिसमें भाई ये पापा की परी बन के उड़ रही है हमारा बंडल जो है। तो अगर आप लोग को भी ये इमोट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करना। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये वन व्हील वाला हमारा इमोट देखने को मिल जा रहा है, जो कि थोड़ा सा जोकर या फिर बोल सकते हैं सर्कस से रिलेटेड आप लोग को ये देखने को मिल रहा है। तो ये इमोट भी हम लोग को OB44 अपडेट के अंदर अवेलेबल कराया जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगले नंबर का इमोट है हमारा क्लैपिंग वाला, आप लोग देखते हो एक ही जगह पर खड़े होकर ये भाई क्लैपिंग करने वाला है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक लग रहा है एंड फनी भी थोड़ा सा लग रहा है। तो आप लोगों को मे बी हो सकता है ये क्लैपिंग इमोट फ्री में क्लेम करने को मिल जाए इस OB44 अपडेट के अंदर। तो अगर फ्री में मिलेगा तो कैसे मिलेगा आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पर लाइक वाला भी इमोट निकल के आया हुआ है कि हाँ भाई लाइक करो लाइक करो लाइक करो। तो भाई ये इमोट बोल रहा है आप लोगों से कि लाइक करो यार, तो जल्दी से भी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ना मेरे भाई। देख सकते हो इमोट भी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर भी कर दो सभी लोग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक देख सकते हो भाई बोटिंग वाला इमोट निकल के आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है भाई। एक ये रहता है बाउल टाइप का या फिर इसको बोल सकते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का भाई ये बोटिंग का है। ये मेरे ख्याल से पहाड़ों में होता है भाई बोटिंग का कुछ सिस्टम, आप लोग बताना अगर इसके बारे में कुछ जानते हो। तो ये इमोट आप लोगों को गेम के अंदर अवेलेबल कराया जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी यूनिक इमोट है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो ये एक और खतरनाक सा इमोट जो कि आप लोग को फ्री में मिलने वाला है जॉम्बी मोड के अंदर से। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोग को बोल रखा है कि जॉम्बी मोड जो हमारा आने वाला है जैसे OB44 का अपडेट आएगा, देन उसी इमोट के अंदर से आप लोग को कुछ इवेंट दिए जाएंगे, मिशन दिए जाएंगे, जिनको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ये इमोट क्लेम करने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट ईवो गन आने वाली है उसका यहाँ पर इमोट देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहने वाला है, एंड मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट ईवो गन रहने वाली है वो शायद से G18 की रहने वाली है, जो कि स्क्रीन पर देख ही सकते हो कुछ इस टाइप का इसका लुक भी रहने वाला है। तो इसका इमोट एंड गन दोनों चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी है दोस्तों, तो लाइक कर देना। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी इमोट रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मई मंथ के अंदर जो बुइया पास आने वाला है उसका इमोट आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का, ये घोड़े वाला इमोट रहेगा भाई मई मंथ के बुइया पास के अंदर, जो कि आप लोगों को मैंने रिव्यू करके दिखा दिया है। अगर आप लोगों ने मई मंथ का बुइया पास नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगले नंबर का जो इमोट है ये भाई नहीं नहीं वाला इमोट है, मतलब नो नो इसमें बोल रहा है भाई कि नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर बोल रहा है। तो आप लोग अपने दोस्तों को मना भी कर सकते हो इस इमोट को दिखा कर, भाई मेरे को तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक देख सकते हो भाई मेमना का बच्चा है, मतलब बकरी का बच्चा है मेमना, जिसको लेकर भाई ये अपने कंधे पर डांस करता है। तो ये भी भाई कुछ यूनिक टाइप का इमोट है। अब ये किसी वेब मेन से रिलेटेड रहेगा या फिर कैसा रहेगा इसका भाई पूरा डिटेल में OB44 अपडेट आने के बाद बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक तारा तोड़ने वाला भाई इमोट निकल के आया हुआ है। अगर आपका भाई गेम में कोई भी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, तो उसको आप बोल सकते हो, वादे कर सकते हो या फिर बोल भी सकते हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए चांद दाड़े तोड़कर लिखना आने वाला हूँ। तो अगर इमोट पसंद आया हो जो भी, उसका मुझे कमेंट करके नाम बताया, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप लोग उसको भी कमेंट करके बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।